पिकनिक की मस्ती। क्लासरूम में बच्चे क्या करते हैं? टीचर ना हो तो मस्ती करते हैं और टीचर हो तो पढ़ाई करते हैं। लेकिन सोचो, अगर बच्चे पढ़ाई से बोर हो जाए तो क्या हो? बनी यार, ये टॉपिक समझाओ मुझे। गत्तो प्लीज यार, अभी नहीं, कल से ट्यूशन का एक प्रोजेक्ट सोच सोच के पक गया हूँ। तो बिल्कुल सच कह रहा है यार, मैं भी ट्यूशन स्कूल और स्कूल ट्यूशन के ही चक्कर काट रहा हूँ। ना खेलने जा पा रहा हूँ और ना ही कहीं घूमने जा पा रहा हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे क्लास के हाल हैं। गट्टू देख, सभी कितने प्रेशर में बैठे हैं, कोई मस्ती करने के मूड में ही नहीं है। देखना चाहता है? रुक। ऐसा कहकर बन्नी ने चिंकी को आवाज लगाई। ए चिंक चिंक चिंकी, वेयर इज डंकी? बनी प्लीज यार, अभी नहीं। देखा गट्टू, चिंकी तो झगड़ा भी नहीं करना चाहती। गट्टू ने कुछ सोचा और उछलते हुए बोला, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब क्लास की चार दीवारी से निकलना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो। हाँ गट्टू, उसके लिए क्या करना होगा? क्लास की पिकनिक। वैसे भी कोरोना के बाद हमारी क्लास कभी बाहर नहीं गई। ये लेकिन मिश्रा सर नहीं मानेंगे, उन्हें तो पोर्शन कंप्लीट करना है। तुम उसकी चिंता मत करो, बस मैं जो कहता हूँ वो करो। गट्टू ने सबको प्लान बताया और मिश्रा सर क्लास में आए। वेलकम सर। थैंक्स बच्चों, लेकिन आपके एनर्जी को क्या हो गया? सॉरी सर, लेकिन हमें भी आपकी एनर्जी कुछ डाउन मालूम हो रही है। हाँ, रोज रोज का वही रूटीन। चलो कोई नई किताब निकालो, आज हमें पोएट्री पढ़नी है ना। फिर सर कविता पढ़ाने लगे। चिड़िया ने चोंच में लाया दाना, दाना चोंच से छूट गया, दाना चुराने भागे बच्चे लेकिन पेड़ बनकर छूट गया। बनी बताओ क्या समझे? सर दाने में एटीट्यूड था। और ये सुनकर सभी क्लास हंसने लगी। अरे बाप रे, काफी खराब हाल है। अरे बन्नी, रील्स जरा कम देखो। चिंकी तुम बताओ। सर मैं बताऊं? ठीक है गट्टू बोलो। सर चिड़िया ने कहीं से अपने बच्चों के लिए दाना, जिसे हम धान या फिर कोई सीड कहते हैं, वो लाया। लेकिन अचानक चिड़िया की चोंच खुल गई और वो बीज नीचे गिरने लगा। हमारे जैसे शैतान बच्चे उस बीज को कैच करने के लिए भाग ही रहे थे, तभी दाना जमीन पर गिर गया और उस सीड से एक पेड़ तैयार हुआ। बच्चे दाना भूल गए और पेड़ के साथ खेलने लगे। वाह गट्टू, शाबाश। बन्नी तुम क्यों नहीं बता पाए? सर बनी बस घर में कैद रहता है, ट्यूशन पढ़ता है, एक्स्ट्रा क्लासेस जाता है, मोबाइल देखता है, फिर वो नेचर कैसे देख पाएगा सर? वाह गट्टू, क्या आइडिया दिया है। बच्चों तुम्हारी जैसी मेरी भी हालत हो गई है, मैं भी बहुत दिन हो गए बाहर जाकर नेचर से नहीं मिल पाया। हम एक काम करते हैं, ये कविता नेचर से ही सुनते हैं कि पेड़ कैसे तैयार होता है। मतलब सर हम क्या करेंगे? मतलब हम पिकनिक जाएंगे। ये! फिर क्या था, दूसरे दिन बस में बैठकर गट्टू चिंकी की क्लास पिकनिक के लिए निकल पड़ी। शहर से बाहर नेचर के पास किसी स्ट्रॉबेरी के खेतों में एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट था। हरे हरे ठंडी हवा के मुलायम मुलायम पहाड़ थे और चारों तरफ खुला आसमान था। जमीन पे पांव रखते ही सारे बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट भरपूर हो गई। वाओ, क्या विजुअल है, क्या नजारा है, क्या ठंडी ठंडी और फ्रेश फ्रेश हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये हवा में पी जाऊं। चिंकी यहाँ बीच बीच में हल्की रेन फॉलिंग भी होती है, उसके लिए भी जगह रखो पेट में। वाओ! फिर क्या था, मिश्रा सर ने जोरदार सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही बच्चे इधर उधर भागने लगे, मखमली घास में गिरने लगे, संभलने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, हवा के साथ बातें करते हुए एंजॉय करने लगे। बच्चों मजा आ रहा है ना? हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। तभी हल्की हल्की बरसात शुरू हुई और सब और ज्यादा मस्ती में आ गए। वाह सर, मैंने खिड़की की कांच से बारिश बहुत बार देखी थी, लेकिन असली मजा तो बारिश में बारिश होने का है। तभी गट्टू ने देखा कि स्ट्रॉबेरी के खेत में एक किसान खड़ा था और बच्चों को बुला रहा था।
सर, लगता है वो हमें खेत में बुला रहे हैं। उसके लिए थैंक्स मुझे कहो। मैंने तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी का पूरा खेत बुक कर लिया है। चलो एंजॉय। फिर बच्चे स्ट्रॉबेरी के खेत में पहुँचे। रंग बिरंगी आकर्षक और जूसी स्ट्रॉबेरी देखकर सबके मुंह में पानी आ गया और प्लांट से एक एक स्ट्रॉबेरी टूट कर दांतों के नीचे फूटने लगी। आह, फ्रेश फ्लेवर का मजा ही कुछ और होता है। इसके बाद सब लोग बहुत घूमे। फिर सबने मिलकर पहाड़ी पर कुछ फन गेम्स भी एंजॉय किए। गट्टू ने रेस में सबको आउट किया, चिंकी ने चिड़िया का एक सुंदर गीत गाया और बन्नी ने गिटार बजाया जिस पर गट्टू ने डांस किया। सब ने तालियां बजाकर फंक्शन को चार चांद लगा दिया। चलो अब हम सब मिलकर लंच करते हैं। फिर सब ने अपने अपने टिफिन खोले। मिश्रा सर का टिफिन सबसे लंबा और सबके लिए था। मैं पूरी 7 दिन की 7 सब्जियां एक साथ लाया हूँ, जिनको जो जो पसंद है ले लो। गट्टू चिंकी ने भी अपना टिफिन सबके साथ शेयर किया और फिर लंच खत्म होते ही सब ने थोड़ी देर वहाँ की खुली हवा में आराम किया और फिर मिश्रा सर बोले, बच्चों, नेचर की किताब सबसे बड़ी होती है। वो हमें ऐसा ऐसा सिखा देती है जो हम चार दीवारी में बैठकर नहीं सीख सकते। अभी उस किसान ने तुम्हें प्रैक्टिकल करके भी बताया कि एक छोटे से दाने से लेकर उसकी फसल बनने तक का सफर कैसा होता है। हम और भी जानेंगे और भी घूमेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो। वो क्या सर? नेचर का सदा सम्मान करो। गट्टू के साथ साथ सारे बच्चों ने भी मिश्रा सर की ये बात मन ही मन मान ली और इस प्रकार गट्टू के क्लास की पिकनिक काफी सक्सेसफुल रही।